अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बातें करूंगा लैपटॉप के बारे में, क्योंकि आप लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि शाहरुख भाई बता दो मैं कौन सा लैपटॉप खरीदूं और कुछ प्राइस रेंज आप लोग बता देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ही बना दूं जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग प्राइस कैटेगरी में, अलग अलग प्राइस रेंज में कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। और यह जो प्राइस कैटेगरी है 10,000 रुपये से शुरुआत होकर के 1,00,000 रुपये तक की जाएगी, और उसमें मैं आप लोगों को ढेर सारे लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए, और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा। तो चलिए देर किस बात की, जान लेते हैं सबसे पहले कैटेगरी जो कि 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 10,000 से 15,000 के बीच में कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार तो नहीं होने वाला है, या फिर दोस्तों कोई ऐसा लैपटॉप तो नहीं मिलने वाला है जिस पर आप बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर सकें, या फिर किसी ब्रांडेड लैपटॉप तो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर फिर भी मुझे एक लैपटॉप है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और उसका नाम है RDP ThinkBook। अब दोस्तों इसे RDP ने बनाया है, अब कौन है RDP मुझे पता नहीं, लेकिन यार 15,000 रुपये के अंदर में बहुत ही अच्छा उन्होंने लैपटॉप दिया है। इसकी सबसे खास बात यह है, यह जो RDP ThinkBook है इसमें 500 GB का हार्ड डिस्क मिल जाता है। आप दोस्तों मतलब 15,000 रुपये के अंदर में मैंने कोई ऐसा लैपटॉप नहीं देखा जिसमें 500 GB का हार्ड डिस्क हो। उसके बाद दोस्तों इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी 10 घंटे की मिल जाती है। अगर इसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते, इसमें हमें 11.6 इंचेस यानी कि लगभग 12 इंचेस का HD स्क्रीन मिल जाता है, 2 GB का रैम मिल जाता है, और दोस्तों इसमें इंटेल का प्रोसेसर है जो कि कोई क्वाड कोर प्रोसेसर है जो कि दोस्तों 1.9 GHz तक सपोर्टेड है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मिल जाता है, और ये सिर्फ दोस्तों 1.2 kg का है। तो एक तरह से काफी थिन, लाइट वेट और छोटा स्मॉल लैपटॉप है जिससे आप मूवीज वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गेमिंग के लिए तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आप 15,000 के अंदर काफी अच्छा लैपटॉप पा रहे हैं जिसकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसे रिकमेंड करूंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 500 GB का वेरियंट है वो आता है लगभग 14,000 रुपये में, लेकिन इसका एक ट्रिम डाउन वेरियंट भी है जो कि आता है 32 GB वेरियंट, और वो 32 GB वेरियंट आपको मिल जाएगा 11,000 रुपये में। तो दोनों ही वेरियंट आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर ले नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की जो कि है 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये में। तो यहाँ पे लैपटॉप आता है डेल का इंस्पिरॉन 15.6। अब दोस्तों ये एक 15.6 इंचेस का लैपटॉप है, और ये भी यहाँ भी दोस्तों आपको कोई ज़्यादा चमत्कार नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी लैपटॉप दोस्तों 20,000 के अंदर 25,000 के अंदर बहुत ही अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन ये लैपटॉप दोस्तों 20,000 के अंदर सच में बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि इसमें लगभग 2.5 GHz का इंटेल पेंटियम N3710 प्रोसेसर मिल जाता है, और ये काफ़ी बेहद ही दोस्तों फास्ट प्रोसेसर है जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया है। 4 GB का DDR3 रैम मिल जाता है, 500 GB का हार्ड डिस्क भी मिल जाता है, और दोस्तों इसमें आपको उबुंटू मिल जाता है। हालांकि आप चाहें तो इसमें आप अलग से विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं उबुंटू हटा करके, लेकिन इसमें उबुंटू पहले से इंस्टॉल मिल जाता है। 2 kg इसका है, तो दोस्तों थोड़ा सा हेवी तो है, लेकिन नॉर्मली लैपटॉप 2 kg ही होते हैं। तो ये सब देखते हुए दोस्तों 20,000 के अंदर मैं कहूँगा ये जो डेल का इंस्पिरॉन 15.6 है यह एक तरह का बेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि दोस्तों इसका जो फ्रीक्वेंसी है प्रोसेसर का वो लगभग 2.5 GHz तक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले 20,000 रुपये से लेकर के 25,000 के बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास आता है एसर का एस्पायर A3, और ये जो लैपटॉप है दोस्तों 20 से 25,000 में काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। हालांकि यहाँ भी कोई चमत्कार नहीं वाला, मैं आपको बता दूँ कि 20 से 25,000 में भी बहुत ही ज़बरदस्त लैपटॉप आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो रैम मिलता है वो DDR4 रैम मिलता है। तो 25,000 के अंदर मुझे यही एक लैपटॉप मिला जिसमें अच्छा सा DDR4 रैम मिले, और काफ़ी अच्छा जो है बैलेंस हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस मिले। यहाँ पे 2 GHz का इंटेल कोर i3 6th generation प्रोसेसर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 25K के अंदर यानी कि लगभग 24,000 रुपये इसका दाम है, और इसमें आपको इंटेल कोर i3 6th generation भी मिल रहा है, प्लस दोस्तों आपको 4 GB का DDR4 रैम भी मिल रहा है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसके अलावा 500 GB का हार्ड डिस्क मिल जाता है, 15.6 इंचेस का स्क्रीन मिल जाता है, और इंटेल का HD ग्राफिक 520 मिल जाता है। तो एक तरह से दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। एक कौन सा है कि इसमें आपको कोई भी DVD स्लॉट नहीं मिलता है, हालांकि नए आने वाले जो भी लैपटॉप से उसमें DVD स्लॉट को तो हटाया ही जा रहा है। अब दोस्तों बात कर ले अगले लैपटॉप की, तो वो आ रहा है 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में। अब ये जो प्राइस कैटेगरी है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, और इसमें मुझे एक लैपटॉप को चूज़ करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जो मैंने लैपटॉप को चूज़ किया दोस्तों उसका प्राइस है 27,000 रुपये, 25,000 के ऊपर है और 30,000 के नीचे है। और ये जो लैपटॉप है दोस्तों यह है आसूस का वीवो बुक। मैं भी वीवो बुक इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरा महंगा वाला वीवो बुक है, लेकिन दोस्तों ये जो वीवो बुक है आसूस का ये भी काफ़ी बेहतरीन है, और मैं कहूँगा कि 25 से 30,000 के अंदर मुझे बेस्ट लैपटॉप यही लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें मिल जाता है इंटेल कोर i3 का 7th generation प्रोसेसर, 4 GB का DDR4 रैम भी मिल जाता है, 1 TB का हार्ड डिस्क भी मिल जाता है, और दोस्तों 15.6 इंचेस का फुल HD स्क्रीन है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों कि इसमें एंटी ग्लेयर स्क्रीन दिया गया है 15.6 इंचेस में, और दोस्तों फुल HD दिया गया है। तो 30,000 के अंदर मुझे एकमात्र ऐसा लैपटॉप मिला जिसमें एंटी ग्लेयर स्क्रीन हो और फुल HD डिस्प्ले हो।
प्लस दोस्तों इंटेल कोर i3 सेवन जनरेशन प्रोसेसर हो, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली कैटेगरी की बात कर ले तो 30,000 से 35,000 के बीच में यहाँ पे हमें मिल रहा था HP का 15 लैपटॉप। अब मैं कहता रहता हूँ ना कि HP का 15 लैपटॉप का बहुत ही अलग अलग रेंज है, 25,000 से शुरू होकर के बिल्कुल दोस्तों 60-70,000 रुपये तक गया है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये जो लैपटॉप्स हैं HP के 15 काफ़ी अच्छे सीरीज़ में देते हैं और आप अलग अलग HP 15 लैपटॉप्स को भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले 30 से 35,000 के बीच में, ये जो लैपटॉप है HP का 15, इसमें मिल जाता है 15.6 इंचेस का स्क्रीन और दोस्तों 7th जनरेशन का इंटेल कोर i3 मिल जाता है, DDR4 रैम मिल जाता है दोस्तों, 4GB का 1TB का हार्ड डिस्क भी मिल जाता है और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें हमें AMD का रेडियन 2GB ग्राफिक्स मिल जाता है, तो इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स दिया गया है, तो इसमें गेम्स भी काफ़ी अच्छे चलने वाले हैं। आप इसमें GTA 5 भी खेल सकते हैं, लगभग 30 FPS पे अच्छे से काम कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें विंडोज 10 मिल जाता है और यह फास्ट चार्ज को भी सपोर्ट करता है, तो कुछ ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इसकी जो प्राइसिंग है वो है लगभग 33,000 रुपये विद ग्राफिक्स, यानी कि अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो लगभग 33,000 रुपये आपको लगेगा इस लैपटॉप का, यानी कि AMD रेडियन वाला चाहिए, और अगर आपको ग्राफिक्स नहीं चाहिए तो लगभग दोस्तों आपको 30,000 रुपये में मिल जाएगा, यानी कि आपको जो इंटेल का HD ग्राफिक्स रहेगा जो कि नॉर्मल ग्राफिक्स होता है तो आपको 30,000 में मिल जाएगा, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड के साथ लेना चाहते हैं तो 33,000 में मिल जाएगा। तो 30 से 35 के बीच में दोस्तों ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी जो है लैपटॉप है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात कर लें 35 से 40 के बीच में भी, तो यहाँ पर भी दोस्तों HP 15 ही डोमिनेट करता है, क्योंकि HP 15 का मैंने बताया आपको कि अलग अलग रेंज है, तो ये जो है दोस्तों 40,000 रुपये के अंदर, यानी कि दोस्तों जो ये प्राइसिंग है 39,990 यानी कि 40,000 में ही ये लैपटॉप है। और इस लैपटॉप में दोस्तों हमें मिल जाता है 8वां जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें 32,000 में मिल रहा था इंटेल कोर i3 7th जनरेशन और डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे हमें मिल रहा है इंटेल कोर i5 8th जनरेशन प्रोसेसर। तो 40,000 में दोस्तों ये जो लैपटॉप है काफ़ी बवाल है, सच बता रहा हूँ, ये जो HP 15 लैपटॉप है 40,000 के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है। इंटेल कोर i5 8th जनरेशन प्रोसेसर मिल जा रहा है, 8GB का DDR4 रैम मिल जा रहा है, 1TB का हार्ड डिस्क मिल जा रहा है, 15.6 इंच का फुल HD स्क्रीन भी मिल जा रहा है और दोस्तों यहाँ पे इंटेल का USD ग्राफिक्स मिल रहा है, हालांकि डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं मिल रहा है लेकिन USD 620 भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, आपका गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, GTA 5 वगैरह भी खेल सकते हैं। लेकिन एक कमी है दोस्तों, इसमें हमें विंडोज़ 10 नहीं मिलता है, आपको इसमें फ्री डॉस मिलता है, बाद में आपको अपने से खुद से ही इसमें इंस्टॉल करना होगा विंडोज़ 10, तो ये कमी है। हालांकि आपको अगर आता है, नॉलेज है, तो आप आसानी से विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 40,000 के अंदर मैं कहूँगा HP 15, 30 से 40 के बीच में दोस्तों HP 15 ही डोमिनेट करता है। लेकिन अगर हम बात कर ले 40 से 50 के बीच में, अभी तक मैं दोस्तों 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40 कर रहा था पाँच का गैप लेकर के, लेकिन अब दोस्तों मैं 10 का गैप लेकर के करूँगा। तो अगर हम लोग बात कर ले 40 से 50 के बीच में कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि Asus का VivoBook एक और लैपटॉप है दोस्तों। अब आप कहेंगे भाई तुम VivoBook का बहुत ज़्यादा नाम ले रहे हो, क्या करूँ भाई, VivoBook का भी जो रेंज है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो Asus का एक और VivoBook है दोस्तों जो कि 15.6 इंचेस का है और इसमें हमें मिल जाता है 8th जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, 8GB का रैम, 1TB का हार्ड डिस्क, विंडोज 10 मिल जाता है, 2GB का ग्राफिक्स मिल जाता है जो कि दोस्तों NVIDIA का 940MX मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स मिल जाता है। अब मैं इसे 50,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिल जाती है, जैसे कि हमें 2GB का ग्राफिक्स मिल जाता है NVIDIA का 940MX डेडिकेटेड, तो ये काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स के साथ भी आता है। प्लस दोस्तों इसमें इसका जो स्क्रीन है बिल्कुल मेरे तरह नेहरो बीजल्स में आता है और एंटी ग्लेयर स्क्रीन है फुल HD और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। तो ये सब कुछ चीज़ें देखते हुए दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्लिम है, लैपटॉप काफ़ी पतला है और काफ़ी प्रोफेशनल लगता है देखने में, तो कुछ चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मुझे ऐसा फील हुआ कि जो लैपटॉप है 50,000 के अंदर बेस्ट है। प्लस इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 8 घंटे की, और दोस्तों इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह भी मिल जाता है। तो मैं कहूँगा 50,000 के अंदर अगर आपको लेना है तो आपको Asus का VivoBook के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले 50,000 से 60,000 के बीच में, तो यहाँ पे दोस्तों Asus के VivoBook के एक और वेरिएंट में और Acer Nitro 5 में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है कॉम्पिटिशन है, लेकिन मैं चूज़ करूँगा Acer के Nitro 5 की, क्योंकि दोस्तों जो Acer का Nitro 5 नया वाला आया है काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आया है और बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स के साथ आया है और दोस्तों प्राइसिंग काफ़ी कम्पिटिटिव है। मतलब मैं कहूँगा ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है जो कि 60,000 के अंदर ऐसा जो है ऐसा आपको स्पेसिफिकेशन दे सके। दोस्तों ये जो Acer का Nitro AN515 है, इसमें मिल जाता है कोर i7 का 8th जनरेशन प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इंटेल कोर i7 का 8th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि मैं चौंक गया देख करके 60,000 के
अंदर। 8 GB का रैम मिल जाता है, 1 TB का हार्ड डिस्क मिल जाता है और 2 GB का इसमें हमें NVIDIA का MX150 ग्राफिक्स भी मिल जाता है। तो अगर आपको लेना है 60,000 के अंदर कोई लैपटॉप तो भाई Acer Nitro 5 से अच्छा कोई नहीं होने वाला है। मतलब कि भाई आप NVIDIA का MX150 2 GB ग्राफिक्स दे रहे हो जो कि मेरे लैपटॉप में है, आप 8 GB का DDR4 रैम दे रहे हो, उसके बाद आप जो है 1.8 GHz का इंटेल कोर i7 दे रहे हो जो कि 8th जनरेशन का है। और दोस्तों मेरे लैपटॉप में इंटेल कोर i5 8th जनरेशन का है जो कि बिल्कुल सेम प्राइस में आई थी। तो मैं कहूँगा अगर मैं कुछ दिन रुक जाता तो मुझे Acer Nitro 5 मिल जाता जो कि दोस्तों एक गेमिंग लैपटॉप के तौर पर काम करता। लेकिन एक कमी है Acer Nitro 5 में, उसका जो स्क्रीन है दोस्तों वो फुल HD नहीं है। हालांकि मेरा जो स्क्रीन है दोस्तों वो फुल HD स्क्रीन है, लेकिन उसका स्क्रीन HD+ स्क्रीन है, तो इसलिए एक कमी है। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गेमर्स को, लेकिन दोस्तों एक तरह से मैं कहूँगा दोनों ही लैपटॉप के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, इसके बीच में और Acer Nitro 5 के बीच में। बस उसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हाई है, ये मेरा i5 है और वो मेरा i7 है और दोनों ही 8th जनरेशन का है, तो मैं Acer Nitro 5 के साथ जाना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आता 60,000 से 70,000 के बीच में, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे Asus का Vivo Book के साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें डेडिकेटेड SSD का SSD मिल जाता है। इसमें दोस्तों हमें Asus का Vivo Book S15 का एक और वेरिएंट की बात कर लें तो 70,000 और 60,000 के बीच में बिल्कुल ही बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल जाता है 8 GB का DDR4 रैम, 1 TB का हार्ड डिस्क मिल जाता है, प्लस दोस्तों 128 GB का SSD भी मिल जाता है। तो SSD हमें मिल जाता है 70,000 के नीचे और दोस्तों यहाँ पे हमें NVIDIA का MX150 ग्राफिक्स भी मिल जाता है और यहाँ पे इंटेल कोर i5 8th जनरेशन प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए दोस्तों मैं Asus का Vivo Book S15 के साथ जाना चाहूँगा 60 से 70 के बीच में। यही नहीं दोस्तों इसका जो स्क्रीन है वो तो काफ़ी खूबसूरत है ही, प्लस आपको जो है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है। तो Asus का Vivo Book भाई मेरा मैंने जो लिया है भाई बेस्ट लिया है, मैं मानता हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा लैपटॉप मैंने लिया है। लेकिन दोस्तों अगर बात कर ले 70,000 से लेकर 1,00,000 तक के बीच में, जी हाँ दोस्तों अगर आप 70,000 के ऊपर जाते हैं ना तो सभी गेमिंग लैपटॉप्स ही आने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि गेमिंग लैपटॉप के लिए मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, फिर कभी बताऊँगा कौन कौन सा बेस्ट लैपटॉप है। तो आज मैं बात कर लेता हूँ कि 70,000 से 1,00,000 के बीच में अगर आप पूछेंगे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप मेरे नज़र में कौन सा है, तो भाई मेरे नज़र में है Acer का Nitro 5 ही। जी हाँ दोस्तों Acer का जो Nitro 5 है ना 93,000 में आता है, 93,000 रुपये में, और आपको उसमें मिल जाता है इंटेल कोर i7 का 8th जनरेशन प्रोसेसर जो कि दोस्तों एज प्रोसेसर है। हमेशा दोस्तों एज प्रोसेसर और एच क्यू प्रोसेसर और दोस्तों यू प्रोसेसर में डिफरेंस होता है, आपको वो सब समझना चाहिए। जो एज प्रोसेसर होता है दोस्तों उसे कहते हैं हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर। तो इसमें जो इंटेल कोर i7 का 8th जनरेशन एज प्रोसेसर है, 8 GB का रैम है, 1 TB का हार्ड डिस्क है दोस्तों, प्लस 128 GB का SSD भी आपको मिल जाता है, 10 भी मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी ग्राफिक्स कार्ड जो कि मिलता है NVIDIA का GTX 1050 Ti। जी हाँ दोस्तों सिर्फ 1050 नहीं है, 1050 Ti है जो कि उससे लगभग दोस्तों 60% ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है। प्लस दोस्तों आपको इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जैसे बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है और आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाती है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि एक तरह से अगर आप पूछेंगे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 1,00,000, तो मेरे लिए दोस्तों 1,00,000 के अंदर यही है Acer Nitro 5 जो कि बहुत ही अच्छा गेमिंग लैपटॉप है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोगों को बताना था कि बेस्ट लैपटॉप्स कौन सा है 10,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 के बीच में, और मैंने आप लोगों को कुछ लैपटॉप्स के नाम बताए हैं। आशा है कि आपको ये सब लैपटॉप्स पसंद आएंगे और आशा है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के अगर आपको खरीदना होगा तो वहाँ से लिंक जाकर खरीदेंगे। ओवरऑल दोस्तों सभी लैपटॉप्स मैंने कोशिश किया जल्दी जल्दी ढूंढने की और ये इस महीने की बेस्ट लैपटॉप थी। मैं कोशिश करूँगा हर महीने या फिर दोस्तों हर 2-3 महीने के अंदर आप लोगों को बताऊँ कि बेस्ट लैपटॉप जो है इस महीने में कौन सा है। तो आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।